जाऊंगी आप लोगों के साथ डांस करने में। मम्मी हम तो ये दिखा रहे थे कि इस तरह के अलग अलग डांस करेंगे हम आपकी गोद भराई में। गोद भराई? अरे लेकिन भक्ति बहन, हाँ हाँ हमें पता है आपकी हो चुकी है, लेकिन कॉकटेल गोद भराई तो नहीं हुई होगी ना आपकी? नहीं नहीं, म्हणजे की भेलपुरी गोद भराई। हे बघा, म्हणजे मराठी अंदाज में आपकी ओटी भरेंगे, नारियल फल चावल आपकी साड़ी की पल्लू में, फिर गुजराती अंदाज में आपका देवर यानी कि अमोल, प्रभाकर या केशव कुमकुम वाले हाथों से आपके गालों पे थपकी देगा, और फिर पंजाबी अंदाज में गीत गाएंगे, राजस्थानी अंदाज में डांस करेंगे, दक्षिण भारतीय खाना। अगो भाई, पूर्व भारत तो रह गया। तो जो बच्चा आएगा ना उसको बोलते हैं कि भाई अब तू बंगाली में रहो, आओ आओ आओ। सच कहा किसी ने, बच्चे का आना मतलब भगवान का आना, अब तो सबको बेसब्री से इंतजार है उस आने वाले बाल गोपाल का। अग भाई, आपको अच्छा नहीं लगा हमारा विचार? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर मम्मी आप इतनी नर्वस क्यों लग रही हैं? नर्वस नहीं, कहा मैं कहा नर्वस हूँ बेटा, एक्चुअली मैं थोड़ी थक गई हूँ ना, वो कल वो IVF सेंटर के दो दो बार चक्कर मारने पड़े ना, पहले सोनोग्राफी करवाने जाना पड़ा, फिर दूसरी बार वो डॉक्टर को खुदकुशी करने से बचाने के लिए जाना पड़ा। अग भाई, लेकिन वो खुदकुशी क्यों कर रही थी? राम जाने बेन, ये गायत्री और अन्ना भाई ने मिलकर उसका इतना दिमाग खाया होगा कि वो बिचारी को ऐसा लगा होगा कि इससे तो अच्छा मैं खुदकुशी कर लेती हूँ। अरे उल्टा, जब हम लोग वहाँ पहुंचे तो वो खुद कितनी नर्वस थी, आधा अधूरा बोल रही थी। हाँ ये भी बोल रहे थे, किसी ने पट्टी पढ़ाई हो वैसा बोल रही थी। हाँ अरे लेकिन ये अन्ना भाई ऐसे मराठी मशीन गन लेकर चालू ही हो जाएंगे, क्यों 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 आए थे उर्मिला बहन और वो लोग यहाँ पे, क्यों क्यों बताओ क्यों क्यों क्यों, तो कोई भी नर्वस हो जाएगा ना, क्या आप भी जशोदा बेन? हाँ, जबकि ये तो सिर्फ सोनोग्राफी का दूसरा रिपोर्ट करवाने गए थे, है ना? हाँ बराबर बोल रही है ये निरूपा। ओके, अभी जल्दी से आप मुझे अपनी सोनोग्राफी की रिपोर्ट दिखाओ ताकि मैं खुद की ओर से चेक कर सकूं कि सब कुछ ठीक तो है ना। हाँ फिर हम वो रिपोर्ट भी रखेंगे आपके गोद भराई में और डांस करेंगे। ये सब कुछ दिखाई दे रहा है, हे भगवान, ये शिशुपाल शर्मा से कब छुटकारा मिलेगा मुझे? कहीं केशव को मेरा सच पता चल गया तो? नहीं नहीं। हेलो। हाँ हेलो महेंद्र। महेंद्र? रॉन्ग नंबर। हाँ मानस जी। हेलो कौन? हाँ हेलो, अरे महेंद्र। अरे हाँ मैं महेंद्र ही तो हूँ। हेलो हेलो, बोलिए बोलिए। मैं आपकी पत्नी उर्मिला बोल रही हूँ। तू चिल्ला क्या रही है इतनी, बोल क्यों फोन किया अभी? क्योंकि आपको फोन पे ठीक से सुनाई नहीं देता है ना, और फिर उर्मिला का कुछ भी गॉडजिला ने रासलीला ने ऐसा सब सुन लेते हैं, फिर आसपास वालों को शक हो जाएगा। किसी को शक नहीं होगा, कोई नहीं है आसपास। बता क्यों फोन किया तूने? अरे एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है महेंद्र। अब क्या हुआ? वो IVF वाली डॉक्टर ने बता तो दिया कि हम तेरा नॉर्मल चेकअप करवाने के लिए आए थे, सोनोग्राफी के लिए। हाँ हाँ वो उसी की वजह से नई मुसीबत खड़ी हुई है। हा? वो आपकी बेटी गायत्री, अभी उसको सोनोग्राफी की रिपोर्ट देखनी है। सोनोग्राफी की रिपोर्ट? तो मैं क्या बोलती हूँ महेंद्र, सुनो ना। हा? आप कहीं से जरा सोनोग्राफी की एक रिपोर्ट लेके आओ ना प्लीज। कहीं से ले आओ? अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या उर्मिली? कहीं से ले आओ का क्या मतलब हो गया? घर में चाय पत्ती और शक्कर खत्म हो गई है क्या?
जो पड़ोस के घर में जाके बोलूंगा कि एक वाटी सोनोग्राफी देना तुम जरा। अरे आप समझते क्यों नहीं हो, शहर में कितनी सारी औरतें प्रेग्नेंट होती है, जाकर किसी ना किसी के पास से सोनोग्राफी की रिपोर्ट की सीढ़ी लेके आओ ना। क्या मतलब क्या है तेरा, मैं घर घर जाके नॉक करूं? हेलो एक्सक्यूज मी, आपके घर में कोई प्रेग्नेंट है क्या? है? अच्छा तो थोड़ी देर के लिए उनकी सोनोग्राफी की रिपोर्ट मिलेगी क्या पढ़ने के लिए? वो क्या है ना, मेरे घर में कुछ पढ़ने के लिए है नहीं और मुझे बहुत कंटाला आ रहा है। हैं? ऐसा बोलो। हाँ हाँ उच केचो। उच केचो। चुप कर, डोबी। मैं कुछ नहीं जानती महेंद्र, अब अगर इस झूठ को बाहर आने से बचाना है ना तो आपको कहीं ना कहीं से सोनोग्राफी की रिपोर्ट का बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। और मैं भी जा रही हूँ अपनी ओर से पूछताछ करने कहीं पे। अरे वो उर्मिला सुन, मर गए, अब ये सोनोग्राफी रिपोर्ट कहां से लाऊंगा मैं? पता नहीं कहां चला गया है लड़का, सुबह से कुछ बिस्किट ई मारी रे। पता नहीं कहां छुप गया है बेटा, देखा कहीं उसको? अरे माँ बिस्किट, अरे रे नहीं। मम्मी कौन सा महीना चल रहा है? वो दूसरा है तीसरा होगा ना? हाँ वो मींस के अभी वो सोनोग्राफी रिपोर्ट आएगी ना तो पक्का पक्का पता चल जाएगा। अच्छा नहीं आप ऐसे चल रही थी कि जैसे कि नौवा महीना चल रहा है ना? प्रैक्टिस कर रही हूँ बेटा मैं। हाँ? क्योंकि वो नौवे महीने में पेट बहुत बड़ा हो जाता है ना, फिर चलने में इतनी तकलीफ होती है, तो मैंने सोचा मैं अभी से थोड़ी प्रैक्टिस करके रखती हूँ। तो क्या है मैं बहुत साल के बाद फिर से प्रेग्नेंट हुई हूँ ना, इसके लिए। अच्छा तो ये आप कब तक चलाने वाली? किसको, खुद को? वो अभी ये नौवे महीने में कैसा चलते हैं वो मुझे एकदम परफेक्ट आ जाएगा ना बराबर, तब तक ही चलाऊंगी बस। मम्मी मैं इस नाटक की बात कर रहा हूँ। डॉक्टर नारंगी के यहाँ पे मैंने आपको बचा लिया था, कवर अप कर लिया था, लेकिन आपने मुझे अभी तक बताया नहीं कि आप वहां पे क्यों गई थी। बेटा दरअसल हम लोग वहां पर बच्चा, मम्मी बच्चा गिरा नहीं? ना 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 अवे, हे भगवान अभी तुझे सच बता ही देती हूँ बेटा, मैं माँ नहीं बनने वाली हूँ। क्या? बेटा तुझे और गायत्री को मिलाने के लिए मैंने और महेंद्र ने ये पूरा नाटक किया था, लेकिन फिर नाटक खींचते खींचते इतना लंबा खींच गया ना कि बात यहाँ तक आ गई कि सच में बच्चा करना ही पड़े अभी, क्योंकि इतने सारे लोगों की इतनी सारी उम्मीद टिकी हुई है इस आने वाले बच्चे पर। इसलिए मैं और महेंद्र गए थे IVF सेंटर, बच्चा। बाप रे, वो लोग वहां सोच रहे थे कि आप अबॉर्शन करने वहां गए जबकि आप। भाई कुछ होगा तो अबॉर्शन होगा ने। मम्मी इस झूठ को ज्यादा मत खींचे वरना फिर से वही नौबत आएगी जो। मुझे पता है बेटा लेकिन अब क्या करूं ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम गायत्री और अन्ना को सब सच सच बता देते इसी वक्त। अरे बेटा लेकिन मम्मी इसे में सबके भलाई है, चलिए प्लीज। कहां से लाऊंगा सोनोग्राफी रिपोर्ट, मैनेज ही नहीं हो रहा है, लेकिन मैनेज तो करना पड़ेगा। घर जाके अपनी डायरी से दो चार फोन घुमाता हूं। हो, दूसरा चमत्कार, डॉक्टर साहब अब फास्ट भी चलने लगे हैं। वाह 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 वाह, कछुआ चला खरगोश की चाल। अभी अभी पर्दा फाश करता हूँ पाखंडी का। क्या टाइमिंग है, वाह। हाँ डॉक्टर साहब निश बोलिए। कहाँ है वो फ्रॉड? फ्रॉड शिशुपाल शर्मा, मैंने गायनेकोलॉजिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया में कॉल किया था। हाँ? पिछले 100 साल में डॉक्टर शिशुपाल शर्मा नाम का कोई है ही नहीं लिस्ट में। वाह वाह वाह, थैंक यू डॉक्टर सबनेस। अब अगर दांत की तकलीफ नहीं हुई तो भी 100%
चार पांच दांत तुड़वाने के लिए तो मैं आपके पास आ ही जाऊंगा, किसी और के। थैंक यू एनीवे, थैंक यू। मम्मी आप ही के अभी चलिए। गायत्री को और अन्ना को सच सच बताइए। हाँ भैया, तू शांति रखने, जरा आदमी को हिम्मत तो बांधने दे। हाँ। आ रही हूँ ना मैं, जरा कुछ सोचने दे, क्या बोलने का क्या जाके। हाँ मिल गया, मैं बोलती हूँ जाके उनको कि अन्ना भाई अप्रैल फूल, नवंबर है, सॉरी नवंबर चल रहा है, मैं भूल गई, सॉरी। तो हाँ मैं अन्ना भाई को बोलती हूँ कि अन्ना भाई हम लोग रिपोर्ट करवाने गए थे ना, तो रिपोर्ट में पता चला कि पेट में तो गड़बड़ है, बच्चा नहीं, ये नहीं चलेगा, सॉरी। तो सो बोलू मम्मी, जो है सच है वही बताना। सच? चलिए अन्ना भाई आइए आइए, अमोल के कमरे में आइए और देखिए क्या हालत हो गई है मेरी। केशव तू? शिशुपाल जी। अरे ऐसे चोर की तरह छुप छुप के आता है, शर्म नहीं आती तुझे? अरे मेरे तो पड़ोसी है, लेकिन आप शिशुपाल जी किसी के भी घर में घुस के दरवाजा पर्दे बंद करके बैठे हो, आपको शर्म नहीं आती? ये मेरा घर है। कहते मेरे महेंद्रा का घर है ये, इन्हीं हाथों से जन्म दिया है उसको। तुझे पता है महेंद्रा क्या बोलता था? कसम पैदा करने वाले की डॉक्टर अंकल, मेरे घर के दरवाजे आपके लिए हमेशा हमेशा खुले हैं, कभी भी आइए और बंद कीजिए, समझा तू? समझा? ऐसे शिशुपाल जी दरवाजा बंद करके कर क्या रहे थे आप? मैं अरे देवा, अन्ना का फोन। उठा ना फिर। हेलो अन्ना, मैं जरा जरूरी काम में हूँ, बाद में फोन करता हूँ। ओके? अरे बाद में क्या बाद में, अभी तू घर आ जा। हमारा वो भोले भंडारी अमोल है ना। फिर से क्या किया अमोल ने? अरे पहले तू घर आ, मैं बोला ना तुझे। ओके। बहुत गलत टाइम पे फोन आया शिशुपाल जी। तो देखा, निकल। ओ बहुत सही वक्त पे फोन आया, बच गया महेंद्र, बच गया। अमोल 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 बाड़ा, बाबा बुद्धि सागर मेरे नीचे आ जाए, बाड़ा नीचे आराम से नीचे आ तू। नहीं मैं नीचे नहीं आऊंगा, मैं अभी ना यहाँ से सीधा आपके ऊपर ही कूदूंगा, मुझे केशव नगर ऐसा करने के लिए बोला है बालू। अच्छा केशव ने? आने दे उस आग लाव्या को, आने दे, उसकी हड्डी पसली तोड़ता हूँ मैं। लेकिन केशव दादा तो बोले कि मैं आपके ऊपर कूदूंगा तो आपकी हड्डी पसली टूट जाएगी, तो फिर आप उनकी हड्डी पसली कैसे तोड़ोगे? अन्ना भाई उर्मिला भाई, अरे रे ये देखो, ये नंबर क्या बोल रहा है, उंगली क्या कर रहा है उसके लिए? बेटा टू के लिए ऐसी उंगली करते ऐसे। अरे आप क्या उसको उंगली करना सिखा रही है? अमोल नीचे आ जा, बाड़ा नीचे आ। नहीं मैं नीचे नहीं आऊंगा,
आपने मुझे कितना जोर से चाटा मारा मालूम? जोर से? जोर से चाटा मारना किसको कहते हैं? दिखाता हूँ मैं तुझे। इसको इसको कहते हैं? बच्चे को आड़ी ताड़े सिखाता है कुछ भी? क्या हुआ अन्ना, अपने अमूल दादा को चाटा क्यों मारा? बम क्या अभी और मिला बहन, ये कब से पीछे पड़ा था? कुछ काम दो, कुछ काम दो। अभी क्या काम देने का? तो वो लक्ष्मण भाव है ना अपने बाजू वाले, हाँ। बड़ी दांत वाले, हाँ। तो मैंने बोला वो लक्ष्मण भाव मेरा फोन नहीं उठा रहे, तो उनके घर पे जा और बोल क्या अन्ना का फोन उठाए, बात करे। हाँ तो मैं गया तो था आपका फोन लेके, वहां जाके आपका फोन भी रखा। मैंने बोला कि अन्ना का फोन है उठाओ, तो उन्होंने उठाया। फिर मैंने बोला अभी बात करो, तो उन्होंने मेरे साथ कितनी बातें की मालूम? अरे फिर मैं वो फोन लेके घर पे आ गया, तो अन्ना ने मुझे चाटा मारा। बोलो 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 उर्मिला बहन, अभी क्या करने का इसका? देखो देखो देखो, इनको खुद को नहीं पता है क्या कर रहा है और मुझे चाटा मारेंगे। मैं कूद ही जाता हूँ। नहीं, अरे मेरे भगवान, नीचे उतर, आराम से नीचे उतर। कौन? ठीक है, लेकिन मुझे कोई दूसरा काम दो जो मैं अच्छे से कर पाऊँ। काम? हाँ, मैं देता हूँ काम, काम मैं काम देता हूँ। उर्मिला बहन की गोद भराई है ना, वो जब यह होगी ना तो तभी तू एकदम मस्त पैकी काम करना। तू देवर बन के कुमकुम वाले हाथ से उनकी गाल पे ऐसे थपकी लगाना, ऐसे ऐसे लगा देना। नीचे आ जा, नीचे आ जा, मैं तुझे पूरा समझाता हूँ। बहुत मजे करेंगे गोद भराई में हम लोग। भगवान आने वाला है बेटा, भगवान। तो भगवान का स्वागत तो अच्छे से करना पड़ेगा ना। एक भगवान का स्वागत दूसरा भगवान करेगा। हाँ नहीं, मैं भी भगवान हूँ। गायने किन पुणे, कितने कम गायने। डॉक्टर नैना, कॉल कॉल कॉल। हेलो हेलो डॉक्टर नैना। यस। व्हाट अ स्वीट वॉइस यू हैव। अपने क्या सौख्य माँ? मैं आपका पेशेंट। मेरा पेशेंट? हाँ भाई साहब, मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और मेरी पेशेंट फीमेल होती है। वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल ब्रेन यू हैव डॉक्टर नैना। मेरा वाइफ सुबुलक्ष्मी, वो आपका पेशेंट। सुबुलक्ष्मी? हाँ। इस नाम की तो कोई पेशेंट नहीं है मेरी। हाँ, एक पेशेंट है जिसका नाम लक्ष्मी है। वही वही लक्ष्मी। लेकिन उनके हस्बैंड तो बंगाली हैं और आपकी बातों से लग रहा है कि आप साउथ इंडियन हो। उड़ी बाबा की बोल जी। नो 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 डॉक्टर नो ना, आमी साउथ इंडियन नोय, आमी बंगाली और संदेश खाती, आमी तुम्हाके भालोबाची। लक्ष्मी के पति तो कब के गुजर चुके हैं? सच सच बताइए, कौन बोल रहे हैं आप? अरे अरे हेलो हेलो, इतने कम गायने क्यों है पुणे में? हाँ डॉक्टर मोरे 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 कौन? हेलो डॉक्टर मोरे। हेलो मैन, अल्बर्ट पिंटो बोलता है। हाँ हमारा नाम अल्बर्ट पिंटो और कुछ सब तुमको काय को आ रहा है मैन? सॉरी सॉरी डॉक्टर, पहले भी फोन किया था क्या मैंने? आई एम सॉरी 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 डॉक्टर, ये तरकीब भी काम नहीं आ रही है, क्या करूं, कहां से लाऊं वो डॉक्टर जो बिना कुछ पूछे चुपचाप मुझे सोनोग्राफी का रिपोर्ट दे दे। भगवान आए। मम्मी क्यों नहीं बोला आपने? अरे कैसे बोलूं, क्या बोलूं, बोल तो उनको कि भगवान है ही नहीं और वो सचमुच के ऊपर वाले पर से उनका विश्वास हटा दूं। नहीं अभिषेक, ये नाटक थोड़ा और आगे बढ़ाना ही होगा,
जब तक तेरे और गायत्री के बीच में सुलह नहीं हो जाती ना, तब तक ये नाटक और आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। बात की बात में देख लेंगे। दुनिया की रानी रहे, हम जीवा कर बड़ी।